मंत्रालय है जो आम आदमी को सीधा इफेक्ट करता है, और लोग बहुत से अपोजिशन भी कह रही है कि महंगाई है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं लोगों को? मैं महंगाई के विषय में जो इस बात करने वाले विपक्ष के नेतागण के सामने ये प्रश्न अभी भी पूछ रही हूँ, लगातार पूछते रह रही हूँ। जब ये सरकार थी 10 साल 6% के ऊपर, 6 का महत्व क्या है, 4% कानूनन इन्फ्लेशन रहने का रेट, उससे पॉइंट उससे प्लस 2% तक, 6% तक कानूनन आप टॉलरेंस बैंड कह सकते हैं, उससे ज्यादा लगातार यूपीए के पीरियड में इन्फ्लेशन ज्यादा था। मैं ये कंपटीशन नहीं कर रही हूँ उनका ज्यादा मेरा कम, मगर कॉन्शियसली 2014 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन का कंट्रोल के कितने सारे स्टेप्स मोदी जी के सरकार के द्वारा, और इधर भी मैं सीएम बसवराज बोम्मई जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल का प्राइस कम करने का 2 बार जो प्रयत्न हुआ, उनमें केंद्र सरकार जब कटौती की, बसवराज बोम्मई जी भी कटौती की, निर्मला जी बजरंग, इसीलिए इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता, क्योंकि उनके कार्यकाल को वो देखें। निर्मला जी बजरंग बली की पूजा।